हेलो बच्चों, वेलकम टू साम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो उससे पहले थोड़ा सा, जब भी कोई सीरीज देखते, मूवीज देखते, सीरीज ज्यादा और सीरियल्स में क्या होता है, रिकैप होता है। पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा, इसके बारे में डिस्कशन होती। तो आज थोड़ा सा पुराने बाकी सारे एक्सरसाइज में हमने क्या क्या सीखा, इसके बारे में थोड़ा सा छोटा एक बिंदास डिस्कशन कर लेते हैं। क्या क्या सीखा वो जानना जरूरी है, तभी हम आगे इसमें क्या सीखने जा रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसको दिमाग में फिट करके गर्दा मैच कर सकते हैं। तो पहले वाले में तो बिंदास था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया हमने, ठीक है। तो पहला वाला डायरेक्ट इंटीग्रेट किया हमने, फॉर्मूला यूज किया तो डायरेक्ट वाला था। दूसरा वाला ये 7.1 की कहानी थी। 7.2 में हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हमने सब्स्टिट्यूशन किया 7.2 में। 7.3 में चूंकि हमारे क्या बोलते हैं पुराने भाई है, तो ट्रिगो वाले भाई, उनको बुलाया, थोड़े से क्वेश्चंस जहाँ ट्रिगो के लग रहे थे, ट्रिगो का फॉर्मूला यूज किया और बिंदास क्वेश्चन सॉल्व किया। 7.4 में हमने, ट्रिगो हो चुका था, सब्स्टिट्यूशन हो चुका था, डायरेक्ट हो चुका था, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वाले देखे, ठीक है, कैसे, जैसे 1/क्वाड्रेटिक वाले, या कोई लीनियर टर्म बाय क्वाड्रेटिक वाले, या √_क्वाड्रेटिक वाले, बट स्पेशल फॉर्मूला, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न या फॉर्म अगर बन रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं, उस तरह वाले देखे। 7.5 में हमारे बड़े भाई आ गए। बड़े भाई जान क्या है, हमारे बड़े भाई जान जो है वो 7.5 वाले, वो थे हमारे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि जितने भी रैशनल फंक्शन थे, मतलब p/q फॉर्म वाले पॉलिनोमियल फंक्शन थे, तो उसे सबसे पहले हमें प्रॉपर में कन्वर्ट करना था, प्रॉपर फ्रैक्शन में। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते थे भैया, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो, बस। अगर इम्प्रॉपर आ गया तो डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड करके कर लिया। तो 7.5 तक, अभी तक का कार्यकाल हमारा ये रहा कि हमने ये सारी चीजें सीख ली, करेक्ट। तो अब भाइयों, अब क्या करना है, तो भाइयों बहनों, अब जो है, अब जो असल कहानी शुरू हो रही है, ये असल कहानी क्या है कि डेरिवेटिव में हमें जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन आया तो हमने यूवी रूल करके सॉल्व कर दिया। भैया हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स दिया गया, तो हम क्या करेंगे भाई, कुछ तो आता नहीं है, कोई फॉर्मूला लगा लो, देखो पहले वाले में लगेगा। आप बोलोगे नहीं, नहीं लगेगा, कैसे लग जाएगा, तो डायरेक्ट है। दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट क्या करोगे, कोई किसी का डेरिवेटिव तो है नहीं, ट्रिगो, अरे भैया लॉग है और पॉलिनोमियल, ट्रिगो की तो कोई बात ही नहीं है। अरे भैया क्वाड्रेटिक कहाँ बना रहे हो, हाँ क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, तो एक्स एक पॉलिनोमियल वाले भैया, एक लॉग वाले, इनका तो इनसे कोई लेना ही देना नहीं है, और पार्शियल फ्रैक्शन ये तो रैशनल भी नहीं है भैया, तो करना क्या है। तो देखो, अब आपको इस तरह के जैसे क्वेश्चन दिखेंगे, आपको लगेगा हाँ 7.1 वाले दोस्त हमारे काम नहीं आएंगे, उनसे उधार ले चुके हैं, दोबारा उधार वो नहीं देंगे। 7.2 वाले सोच सकते हैं, मगर कोई ऑप्शन नहीं तो उनसे भी नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा पुराना उदाहरण है। बाकी 7.3 वहां तो जाने मुश्किल है, वो तो दरवाजे ही नहीं खोलेंगे। 7.4 रास्ता भी भूल चुके हैं। 7.5 ये तो बहुत दूर है भाई, जब तक पहुंचेंगे तब तक बचेंगे ही नहीं, तो करना क्या है। तो हमें कुछ ना कुछ एक नया तरीका ढूंढना था। तो इंटीग्रेशन में अगर हमें दो फंक्शन ऐसे मिल जाए, अलग अलग हो, भिन्न है, एकदम अलग है, डिफरेंट है, और इनको इंटीग्रेट करना, तो कैसे करेंगे, तो हमने इंटीग्रेशन यूवी डीएक्स का फॉर्मूला जानना है। अब ये इंटीग्रेशन यूवी डीएक्स का क्या फॉर्मूला है, इसके बारे में हम अगले पन्ने में आपको बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए, तो हमारा इंटीग्रेशन यूवी डीएक्स, अब पहले फंक्शन के फॉर्म में देख लेते हैं, फिर इसके फॉर्म में भी देख लेंगे, देख लीजिए। तो इंटीग्रेशन UVdx, अब थोड़ा देर के लिए मान लेते ये मेरा पहला फंक्शन है, ठीक है, ये मेरा पहला प्यार है, ये दूसरा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन UVdx क्या है, बताओ बताओ फॉर्मूला, जिनको याद नहीं है याद कर लेंगे, जो पहली बार देख रहे तो कोई दिक्कत नहीं। पहला कहते हैं ना कि इंसान अपने पहले प्यार को नहीं भूल सकता, तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो पहला प्यार इंटीग्रेशन दूसरे वाले का, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, अब क्या कर दिए, डेरिवेटिव निकाल दिए हम पहले वाले का प्यार का, ठीक है,
फिर इंटीग्रेट किए, किसको इंटीग्रेट किए, पहले वाले को ना दूसरे वाले को, दूसरे वाले को इंटीग्रेट किए भैया, और फिर पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कर दिए। देखो समझ आया, चलो अब यूवी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो पहला वाला u मतलब फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ हमारा जो है सेकंड फंक्शन vdx माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड देन होल इंटीग्रेशन जो बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, यहां इन्होंने fx और gx से दिखाया, हम uv से भी दिखा सकते हैं। तो fx हमने पहला फंक्शन पकड़ा, तो पहला फंक्शन इंटीग्रेशन, दूसरा फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, इंटीग्रेशन दूसरा फंक्शन, देन होल dx। ठीक है, तो ये वाला बात हमें समझ आ गई भैया, अप्लाई करके कैसे देखे। चलो एक सवाल देख लेते हैं एनसीईआरटी वाले, ये हमारे इंटीग्रेशन x cos x जो सिंपल सा एनसीईआरटी का सवाल है, एग्जाम्पल में आ जाते हैं, ये वाला एग्जाम्पल वाला, एग्जाम्पल में सारे तो हो चुके हैं। चलो इंटीग्रेशन ऑफ x cos x कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 17 चलते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन x cos x dx। अब देखो ऐसा कोई भी हमें फॉर्मूला नहीं पता जिससे हम कर सकते हैं एक्सेप्ट अभी जो हमने पढ़ा है, तो पहले एक बार फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं, सब बच्चे एक साथ बोलेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स में क्या करते हैं, तो यू को हमने माना है पहला फंक्शन, वी को माना है दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन एंड देन होल डी एक्स, यही है हमारा फॉर्मूला। अब इस वाले में भैया ना यू है ना वी दिख रहा है, कैसे चुनेंगे, आखिर फाइंड आउट कैसे करेंगे कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, बहुत दिक्कत की बात है। तो क्या करेंगे, एक अच्छा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं, दिल में बसा लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है आई लेट। ठीक है, ये आई लेट क्या है, ये आई तो सब बच्चे जानते हैं इनवर्स के लिए होता है, ये हमारे लॉग वाले भैया, ये हमारे एलजेब्रा वाले भैया, ठीक है, ये हमारे ट्रिगो वाले, और ये हमारे एक्सपोनेंशियल वाले। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल तो सबको पता भैया, ई पावर एक्स हो चाहे ई पावर टू एक्स हो कोई भी हो, ये तो हमें सबको पता है। ट्रिगो तो साइन कॉस टैन वाले जितने वाले भी है वो सारे आईलेट में आ गए, एलजेब्रा वाले में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है। तो बच्चों ध्यान से समझना, देखो ये 1 2 जितना 3 4 ये सब भी डालते हो ये सब भी अल्जेब्रा वाले में, ये कांस्टेंट वाले एक्स एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल वाले ये सारे अल्जेब्रा, ये मॉडिक्स और ये वाले भी हैं मगर आपके लिए नहीं आएंगे अभी। ठीक है, सीबीएसई में तो नहीं आने हैं, लॉग तो हमें पता, लॉग एक्स हो गया लॉग टू एक्स हो गया जो भी ले लो। ठीक है, इनवर्स में जैसे साइन इनवर्स ले लिया कॉस इनवर्स ले लिया, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये आइलेट नाम का कोई रूल है। तो अब इस रूल में कैसे पता करेंगे कौन सा पहला फंक्शन कौन सा दूसरा फंक्शन, तो इधर से प्रायोरिटी लेंगे। देखो पहले जो इधर वाले अक्षर आ रहे हैं, आई आ रहा है इसमें कुछ नहीं, एल लॉग आ रहा है नहीं आ रहा भैया, अलजेब्रा पहले आ रहा भैया, तो इसको पहला फंक्शन पकड़ लो। ठीक है, इसमें जो पहले आएगा उसको पहला फंक्शन पकड़ लेंगे, उसके बाद ट्रिगो आ रही है, तो ट्रिगो की प्रायोरिटी क्या है अलजेब्रा वाले सिलेट में, तो हमने ट्रिगो को दूसरा नंबर दे दिया और अलजेब्रा वाले को पहला। ठीक है, अब भैया क्या उल्टा करके नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं, देखो उल्टा करके भी कर सकते हैं। ठीक है, मगर क्या है उसमें हमारा जो सवाल हल होगा ना वो थोड़ा कठिन हो जाएगा, और कठिन काम करने में जिनको मजा आता है वो करके देख सकते हैं, और भैया हमें तो आराम से जिंदगी जीनी है तो हम तो आराम वाला काम करेंगे। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जिंदगी बहुत कठिन है और कठिन बना के फायदा ही क्या है ना। चलिए तो आईलेट लगाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आईलेट में सबसे पहले हमारे यहाँ पे अलजेब्रा वाले भाई और ट्रिगो वाली पहना है। ठीक है, तो देख लेते हैं अलजेब्रा में क्या क्या है हमारे पास, एक एक्स एक कॉस एक्स है। ठीक है, तो हमने एक्स को पकड़ लिया पहला फंक्शन और कॉस एक्स को पकड़ लिया हमने दूसरा फंक्शन, अब कर दिया इंटीग्रेट। तो क्या था फॉर्मूला याद कर लेते, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन और फिर होल डी एक्स। ठीक है, यही तो है, तो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी एक्स बाई डी एक्स,
डी बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, देन होल डी एक्स, यही तो है भैया। ठीक है, तो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, तो साइन एक्स माइनस डी एक्स, डी एक्स कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या हो गया, साइन एक्स। ठीक है, डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉस एक्स, और ये हमारे सी वाले भैया तो हमेशा से तो सी आ गया। तो चलो देख लेते हैं, तो हमने किया एक्स कॉस एक्स क्या आया, इन्होंने एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी आया। देखो बच्चों ये वाला आंसर आ गया हमारा, देखो बड़ा बिंदास आया। अब इन्होंने दूसरे वाले से भी करके दिखा, देखो कर लिया, आंसर तो आ रहा है, मगर अब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, फिर एक बार लगाना पड़ रहा है इसमें। तो इसलिए कहा कि जिंदगी को जिसको थोड़ा कठिन बनाना है, जिसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आसानी चल रही है, बहुत बिंदास जिंदगी चल रही है, वो लगाओ इस वाले मेथड को, देखो अटकते हो तो फिर बताना। ठीक है, अब क्या है, क्या इससे सारे सवाल हमारे हल हो जाएंगे, क्या जितने भी मल्टीप्लीकेशन वाले हैं, ठीक है, तो क्या सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, सबको यूवी पकड़ के क्या रगड़ देंगे फॉर्मूला? नहीं भैया, देखो पढ़ो कि आपको पता चलेगा एनसीईआरटी भैया क्या लिखती है। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट द इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस इन ऑल केसेस, सारे केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है भैया, ध्यान से सुनिए। फॉर इंस्टेंस द मेथड डज नॉट वर्क फॉर रूट एक्स साइन एक्स, क्यों नहीं वर्क करता, रीजन क्या है, देखो बहुत अच्छा सा रीजन है, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज रूट एक्स साइन एक्स, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन क्या है, रूट एक्स साइन एक्स है, तो इंटीग्रेशन कहां से निकलेगा? अरे भैया जिसको तोड़ ही नहीं सकते उसको जोड़ेंगे कैसे, इंटीग्रेट मतलब क्या होता है, जोड़ देते हैं, अब जो चीज टूटी ही नहीं है उसको जोड़ेंगे कैसे बताइए, तो वही चीज है। ठीक है, तो चलिए आइलेट रूट लगा दिए, अब हम आते हैं अपने बाकी दूसरे क्वेश्चंस पे। तो ये वाला तो क्वेश्चन हमें समझ आ गया बच्चों, और हमने देखा आइलेट के बड़े फायदे हैं, हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए आ गया है हमारी जिंदगी में आइलेट। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, पहले इनवर्स वाले, लॉग वाले, अलजेब्रा वाले, ट्रिगो वाले और एक्सपोनेंशियल वाले भैया बहन है। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो आ जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। अब देखो ये वाला सवाल, यहाँ तो बोलेगा भैया कुछ तो दिया नहीं है, देखो बहुत बच्चे समझ जाएंगे, जैसे अलजेब्रा की बात की थी हमने, आपको बताया था कि अलजेब्रा में कांस्टेंट आते हैं, भैया कांस्टेंट अगर टू को लाएंगे तो भैया बहुत दिक्कत होगा, बोलिए अगर टू को ऊपर लाए हैं तो टू को नीचे भी लाइए, तो बेसिकली वन ही ला रहे, तो भैया कुछ नहीं तो वन ही ला देते ना, भैया अगर कुछ नहीं होता तो एक तो होता ही है ना, तो एक ही ला देते, तो ये वाले अलजेब्रा वाले भैया और ये वाले लॉग वाले। तो अब देखो आइलेट जब पढ़े थे तो लॉग पहले आता था, तो लॉग को दिए एक नंबर, अलजेब्रा को दिए दो नंबर, हो गया। अब सवाल हल करते हैं, फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स का, यू वी डी एक्स का फॉर्मूला था पहला फंक्शन इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन वी डी एक्स, फिर होल का डी एक्स। ठीक है, चलिए देख लेते, तो पहले u में क्या है भैया, भैया u में जो है हमारा log x है, तो log x। अब इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स क्या हो जाएगा, x, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स एक्स हो जाएगा माइनस, अब डी यू बाई डी एक्स, अब log को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वन बाई एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स है ही। ठीक है, तो log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या हो गया, एक्स हो गया बच्चों, डी एक्स, तो ये एक्स और ये वन बाई एक्स कट गया, तो एक्स लॉग एक्स, और फिर इंटीग्रेशन वन डी एक्स आ गया, तो माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, चल अब कॉमन लिख के भी बहुत जगह आंसर मिल जाएगा, तो अपना तो चलता है बच्चों। ठीक है, सीधी सी बात है, तो चलिए आते हैं तीसरे नंबर एग्जाम्पल, मतलब 19वां एग्जाम्पल। तो 19वां क्या है, एक्स है और ई पावर एक्स है, इस बार ई पावर एक्स वाले को लाए हैं। देखिए तो आईलेट पढ़िए, देखिए सबसे लास्ट में ही आता भैया, इसको तो आंख बंद करके दो नंबर देंगे, इसको एक नंबर दे देंगे, खत्म। तो फॉर्मूला क्या है, फिर से ध्यान दे देंगे, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स क्या है बच्चों, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो चलिए इतना बार बोल दीजिए कि एकदम जिंदगी में क्या पूरे खून खून में आ जाए। ठीक है, आपका पूरा फॉर्मूला जो है रग रग में बस जाए। चलिए देखते हैं, तो बच्चों देखेंगे
हमारा फर्स्ट फंक्शन तो है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डीएक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अब डी बाई डी एक्स, अब पहला फंक्शन क्या है एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डीएक्स, ई देखिए चला गया घर, ठीक है इसको जाना था घर, घर में काम था, तो ई पावर एक्स माइनस ई तो हो गया वन, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर ई पावर एक्स डीएक्स, ठीक है तो ई एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस सी, तो यही आ गया, ठीक है इसमें कुछ था नहीं, ठीक है हो गया क्वेश्चन सॉल्व, तो बड़ा ही आसान है यूवी, ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स वाला आया है, ठीक है ये देखिए ये जो भैया जी है साइन इनवर्स वाले बड़े ही क्रिएटिव है, जब भी इनवर्स आएगा देखिएगा आपको सब्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं लगाइए देता है, ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सब्स्टिट्यूशन का, क्या करेंगे सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स को टी पकड़ लिए, साइन इनवर्स एक्स को टी पकड़ लिए तो डेरिवेट किए तो क्या है वन बाय रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना आ गया डी टी, तो ई वाला हो गया साइन इनवर्स एक्स को हम टी पकड़ लिए और ये पूरा का पूरा जो है ये क्या हो गया डी टी हो गया और डी टी और ये टी हो गया। अब बोले भैया एक्स तो बच गया भैया इसको करना क्या है, अरे बुड़बक साहब देखो साइन इनवर्स एक्स को टी पकड़ा है इस साइन वाले को उठा के इधर पटक दो तो क्या मिलेगा एक्स इज इक्वल टू साइन टी, तो आ गया। अब देखो एक अलजेब्रा वाला भैया और एक ट्रिगो वाली बहन, तो अब आईलेट में किसको लगाते हैं, अलजेब्रा पहले आता है तो फर्स्ट फंक्शन और ट्रिगो जो हमारे दूसरे में आते हैं तो सेकंड फंक्शन, तो अब सॉल्व कर दो फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स का, पहले को पहले यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स देन होल डी एक्स, ये है ना फॉर्मूला, तो यू हमारा क्या है टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, ठीक है माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी देन होल टी डी टी, सो टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा माइनस का कॉस माइनस, ये वाला तो कट गया यहाँ एक और माइनस का कॉस टी, ठीक है माइनस माइनस कट गया डी टी, सो माइनस टी कॉस टी माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है साइन टी प्लस सी, देखो आ गया, ठीक है अब टी की जगह वैल्यू डाल देते हैं बच्चों, टी की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस ऑफ टी क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है अब इस फॉर्म में भी हम रहने दे सकते हैं, इसको चाहे तो हम ये साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है तो उस फॉर्म में भी कर सकते हैं जैसा आप लोग चाहें वैसे कर सकते हैं और आंसर लिख दे सकते हैं, ठीक है चलो आ जाते हैं अगले सवाल पे, ध्यान से देखना बच्चों बड़ा ही आसान सा सवाल है इंटीग्रेशन ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, देखो इस कुछ सवाल में कुछ है क्या आईलेट खाली आईलेट याद रखना, तो एक्सपोनेंशियल जब भी है तो सबसे लास्ट में ये सेकेंड फंक्शन होना ही होना है और ये वाला फर्स्ट है, ठीक है तो साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स, देखो फॉर्मूला नहीं लिखे आप लोग को याद है इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इज इक्वल टू पहले यू लिखो इंटीग्रेशन कर दो वी का माइनस डेरिवेटिव कर दो यू का फिर इंटीग्रेट करो वी का फिर टोटल को इंटीग्रेट कर दो बस यही तो है, ठीक है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स एंड देन होल डी एक्स, सो साइन एक्स ई पावर एक्स माइनस, अब देखिए भैया यहाँ पे थोड़ा सा ये सवाल थोड़ा अच्छा है, ये सवाल थोड़ा ज्यादा अच्छा है ध्यान से देखना, तो ये हम किए ई पावर साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चों कॉस होता है डेरिवेटिव साइन का क्या करेंगे तो करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस मिलेगा प्लस का मिलेगा माइनस का मिलेगा बच्चों माइनस का कॉस मिलेगा, ठीक है अगर हमें माइनस का कॉस मिले तो क्या करना है तो ये प्लस हो जाएगा तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स कॉस एक्स इंटू ई पावर एक्स डीएक्स आ गया। अब देखो ये तो फिर यूवी वाला बन गया भैया, ये तो फिर यूवी वाला बन गया, क्या एक बार फिर करना होगा करके देख लेते भाई है ना करके देख लेते, तो इस बार किसको पकड़ लिया फिर पकड़ लिया कॉस को, ठीक है कॉस को फर्स्ट फंक्शन ई पावर एक्स को सेकंड फंक्शन, आईलेट तो यही बोल रहा है ना
तो करके देखते, फिर आपको बताएंगे एक और तरीका भी, अगर उल्टा पकड़ते तो केस में आसानी होती, और कितनी आसानी होती जरा वो भी देख लेते। तो हमने पकड़ा इस बार फिर से, तो क्या है cos x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx इंटू होल dx, यही तो है। तो क्या मिला, cos x e पावर x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है sin x e पावर x dx। अरे भैया ये तो हमारा पुराना क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा याद आ रही थी इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम बड़ा आई पकड़ लेते कि इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है। तो हमने लिखा इसका जो इंटीग्रेशन है, अब इसको चाहेंगे तो हम उधर भेज सकते हैं। देखिए बेसिकली हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ई पावर एक्स, अब माइनस यही वाला आई मिल गया इंटीग्रेशन। इसको उधर भेज दीजिए बिकॉज ये भी तो आई है, तो इसको उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, टू आई बराबर ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, आई बराबर क्या हो जाएगा ई पावर एक्स बाई टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये तो एक मेथड हुआ। ठीक है, ये तो माइनस आएगा बच्चों, तो ये वाला माइनस साइन। ठीक है, तो ये देखिए आसानी से सॉल्व तो हो गया। ठीक है, अब अगर इसको उल्टा कर लेते तो क्या होता भैया, उल्टा वाला आप ट्राई कीजिए, देखिए सेम आएगा। ठीक है, आंसर आपका ई पावर एक्स बाई टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ही आएगा। ठीक है, तो यही आंसर आने वाला है, और प्लस सी जोड़ दीजिए, ज्यादा कुछ और करना नहीं। ठीक है, तो बस यही आंसर है। मगर क्या हुआ देखिए, यहाँ पे ये वाला जो स्टेप है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, हमने हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ही फिर से वापस मिल गया, तो इस क्वेश्चन को हमने आई पकड़ लिया, इस आई वाले भैया को उधर भेज दिया, तो क्वेश्चन प्लस एक और क्वेश्चन, तो क्या हो गया दो बार क्वेश्चन। ठीक है, तो टू आई बराबर ये वाला, तो फिर टू उधर भेज दिया, तो ये हमें आंसर मिल गया। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम कुछ किए तो ए बराबर जैसे टू प्लस टू माइनस ए, तो इस ए को फिर उधर ही भेज दिया, तो टू ए बराबर टू, तो ए की वैल्यू हो गई वन, तो इस तरह का ए की जगह क्या हो, ये पूरा इंटीग्रल हो गया। ठीक है, तो डरना नहीं, बड़ा ही सीधा सा सवाल था। ठीक है, चलिए अब एक और तरह का इंटीग्रेशन है, इसको करने से पहले थोड़ा सा इंटीग्रल में आते हैं। ठीक है, चलिए सारे सवाल तो आपके हो गए। अब देखिए इंटीग्रल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है भैया, जैसे हर तरह तरह के प्रकार होते हैं, कोई कोई चीज में खाना खाते हैं तो ये थोड़ा मीठा प्रकार, थोड़ा खट्टा प्रकार, थोड़ा तीखा। ठीक है, उसी तरह से ये वाले क्वेश्चन में इंटीग्रल्स में यूवी में एक और कैटेगरी है, इस तरह से बहुत सारे सवाल हमारे बन जाते हैं। तो ध्यान से देखना कि अगर हमें ई पावर एक्स दिया हुआ है और उसके साथ एक फंक्शन है और उसके फंक्शन के डेरिवेटिव भी वहीं पे मौजूद हैं, तो हम क्या करें भैया, तो आंख बंद करके ई पावर एक्स लिखे और जो पहला फंक्शन है उसको लिख दे, पहले फंक्शन को लिख दे और प्लस सी कर दे, खत्म। भैया ये कहां से आ गया भैया, देखिए इसका आपको प्रूफ भी दिखा देते, तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे बच्चों। ठीक है, एक पेज अटैच करते हैं बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, हमारे पास है फंक्शन और फंक्शन का है डेरिवेटिव, ये दोनों ही है डीएक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार थोड़ा अलग अलग लिख देते हैं, ई पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ये है ना भैया, एडिशन में खोल के तो लिख सकते हैं। अब क्या कर देंगे, इसको यू वी कर देंगे, तो किसको यू पकड़ेंगे किसको वी, देखिए भैया ये तो हमेशा वी आता है क्योंकि ई पावर एक्स है, ये ही यू बन जाएगा, तो एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स। देखिए एक छोटी सी और बात, जो फंक्शन आसानी से इंटीग्रेट हो उसे वी पकड़ते हैं। ठीक है, ई पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स देन होल डी एक्स, यही तो है भैया, प्लस ये वाले भैया तो पहले से चैन से बैठे, चाय पी के ही जाएंगे लग रहा है। ठीक है, एफ एक्स ई पावर एक्स माइनस ये क्या हो गया इंटीग्रल एफ डैश एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई पावर एक्स डी एक्स प्लस ई पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अरे भैया ये क्या हो गया, ई वाला और ई वाला तो पूरा ही सेम है, तो क्या करेंगे,
कट कर दो, तो बचा क्या? फंक्शन बचा भैया, और ई पावर एक्स बचा। अब प्लस सी तो हमारे साथ हमेशा से चल ही रहा है, ठीक है, तो बस यही है, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इसका, जब भी हमें इस तरह का फंक्शन आ जाए तो क्या करना है बच्चों? अगर e पावर x है और उसके साथ फंक्शन है एक, उसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे e पावर x इंटू एफ एक्स। अब देखो इसका डेरिवेशन ये प्रूफ सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा, ये याद रखो। बट क्यों दिखा दिए? ताकि आपको समझ आए क्यों कर रहे हैं, ताकि आपके ये जो खोपड़ी है ना उसमें ज्यादा देर तक रहे। तो ये वाला जैसे हमने खोला तो एक पार्ट ये वाला पूरा का पूरा कट गया, तो इसलिए सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ये आपको दिखे तो चमक जाए कि हाँ यही करना है, ठीक है। चलिए अब इस पे कुछ सवाल ले लेते हैं, ठीक है। कुछ सवाल जो है यहाँ से उठा लेते हैं, ये वाले सवाल हमारे पास है तो इनको देख लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है वो टैन वाले भैया है, इंटीग्रेशन 22 नंबर एग्जाम्पल का पहला नंबर सवाल, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ई पावर एक्स ब्रैकेट में है टाइम का इनवर्स एक्स प्लस 1/1 + x² यही है dx। तो देखिए अगर हम टैन इनवर्स एक्स को हम पकड़ेंगे फंक्शन एफ एक्स, तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों? 1/1 + x², ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये हमको ऐसे दिया हुआ जैसे ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो अब जब ऐसा केस हो, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो आंसर क्या होता है? ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, यही होता है ना, अभी जैसे देखे थे। तो ई पावर एक्स टैन एक्स प्लस सी हो गया आंसर, ठीक है। तो जब भी हमें फॉर्मूला मिले कि इंटीग्रेशन हो, ई पावर एक्स हो, एक फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव भी वहीं पे मौजूद हो, तो हम क्या करेंगे बच्चों? डायरेक्टली आंसर लिख देंगे ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। समझ आया सारा बच्चों को? ठीक है, चलो दूसरा सवाल देखते हैं, 22 का नंबर 2। 22 का नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा हटके, कैसे हटके जरा देखे, कि हर बार तो आसानी से तुमको नहीं देगा ना कि फंक्शन आप देख के समझो, क्या करेगा? थोड़ा तो मेहनत करवाएगा ना भाई। तो क्या है? e पावर x x² + 1/x + 1 का होल स्क्वायर है। अब क्या करना है भैया? ये तो कठिन सवाल हो गया, क्या करना है? तो देखो जब भी e पावर x आएगा हम सोचेंगे कि ऐसा कुछ कर दे कि एक फंक्शन हो जाए और फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाए, तो कैसे करेंगे देखते, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्या लिख सकते हैं इसको? सोचो भैया, हमको x+1 लाना है, कुछ ऐसा लाना है, तो क्या करना है भैया? अगर हम देखें किसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x² किस चीज का आता है, थोड़ा सा सोचे तो कुछ याद आ रहा है भैया। इसको हम कुछ कट छट तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऐसे तो लिख ही सकते हैं -1 + 1। अब +1, अब भैया बोलेंगे भैया क्यों लिखे? अरे भैया लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, इसीलिए लिख दिए, ध्यान से समझो, ऐसे कुछ बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि हमको पता था कि x² - 1 को हम x+1 × x - 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए हमने ये स्टेप सोचा। तो e पावर एक्स में अब इस वाले को x² - 1/x+1 का होल स्क्वायर लिख दे, अब +2/x+1 का होल स्क्वायर लिख दिया इधर जो बचा, ये देख रहे हैं बनता है कि नहीं बनता, कहानी बनती है तो अच्छी बात है। तो ये a+b a-b हो जाएगा बाई a+b का होल स्क्वायर, तो ये एक कट गया और ये कट गया, +2/x+1 का होल स्क्वायर। अब देखो अगर हम x-1 by x+1 को हम एफ एक्स पकड़ ले, क्या इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? यू बाई वी लगाएंगे ना, लगाइए। तो x+1 का होल स्क्वायर और ऊपर यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 1 ही आएगा, 1 × x+1 - 1 × x-1। तो देखो क्या होगा, एक्स एक्स कट जाएगा और 2 आ जाएगा, तो क्या 2/x+1 का होल स्क्वायर आ रहा है? तो इसको अगर हम पकड़े फंक्शन एफ एक्स, तो ये एफ डैश एक्स बन गया, तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, e पावर एक्स इंटू x-1/x+1 + c। देखो समझ आया बच्चों? तो सिंपल सा था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कि बहुत बार आपको क्या है, थोड़ा सा मेहनत करके उसको क्या है
अपने फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपको फॉर्मूला है उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, जब आप ले आओगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन और बेसिक जो है जितने सारे एग्जांपल्स है वो तो हो गए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.6 में, जहां पे हम लोग सारे बाकी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस को करना है। टोटल हमारे पास कितने सवाल है, लगभग अगर आप देख लो तो 8, 18, ये 23, 24, 24 सवाल। ठीक है, तो स्टार्ट करते, कोशिश करना। अब देखो बच्चों, सबसे अच्छे रिजल्ट लाने के लिए, सबसे अच्छा समझने के लिए, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि आप खुद से पहले ट्राई करो। अगर नहीं समझ आए फिर देखो कि भैया ने कैसे बनाया। तो पहले खुद से आप ट्राई करेंगे, ईमानदारी से, ईमानदारी से ट्राई करो। देखो जितने भी तरह के होते थे कंसेप्ट, वो सारा दे दिया गया। अब उसको एप्लीकेशन कैसे करना, अप्लाई कैसे करना, ये आप लोग को थोड़ा सा और ध्यान, एक दो एग्जाम्पल्स आपको दिखा दिया गया, मगर फिर भी आप लोग अगर खुद से ट्राई करोगे तो ज्यादा भेजा भी जाएगा। ऐसे अगर फिर डायरेक्ट देख के उतारोगे तो कोई उतना मतलब नहीं होगा। तो कोशिश करो, एक बार खुद से ट्राई करो, कहाँ पे अटकते हो ये इंपॉर्टेंट है, और जहां पे अटक रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजना। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग तब तक 1 मिनट मतलब थोड़ा टाइम लेके वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। एग्जाम एक्सरसाइज 7.6 का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स, यही है ना, डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो करना क्या भैया, और भैया आई लेट तो हमें पता है, तो इसमें देखिए यहाँ पे ट्रिगो वाले, यहाँ पे एलजेब्रा, तो एलजेब्रा पहले आता तो 1 नंबर, ट्रिगो बाद में आता तो 2 नंबर। तो इसको दिया 1 नंबर, इसको दिया 2 नंबर। फॉर्मूला हमें याद है इंटीग्रेशन यूवी डी एक्स का, इंटीग्रेशन यूवी डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स होल डी एक्स, यही तो है फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो गया, 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स देन होल डी एक्स, यही तो है। ठीक है, तो x इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, तो देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स माइनस ये हो गया 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स, अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स प्लस सी, ये आ गया। देखो का बहुत ही सिंपल सा सवाल था, क्या था इसमें, कुछ नहीं। तो ट्राई करो दूसरा सवाल, अगर पहला नहीं ट्राई किया तो दूसरा सवाल ट्राई करो। देखो तो ये वाला आना चाहिए कि किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है, और ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। ये दो चीज अगर आपको आ रहा है, और बेसिक फॉर्मूलाज जो इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज हैं, तो सारे सवाल हो जाएंगे। अब कंसेप्ट तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, चलो चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स साइन 3x डीएक्स, कह दिया भाई लगाना क्या है भैया, भैया हम सबको पता है आईलेट लगाना है। ठीक है, अब एक्स क्या है, एक्स एल्जेब्राइक है, टी क्या है, साइन 3x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो साइन 3x मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्स एल्जेब्राइक, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। अब एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स क्या है, यू मेरा पहला फंक्शन है और वी मेरा सेकंड फंक्शन है। सो इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स देन होल डी एक्स, यही है ना। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा एक्स, इंटीग्रेट कर दिया किसको, साइन 3x को, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन साइन 3x, अब फिर होल डी एक्स। ठीक है, चलिए अब साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, साइन 3x का कॉस, अब प्लस होगा या माइनस होगा, देखिए हमेशा याद रखिए अगर इंटीग्रेशन में एंड में सी आ रहा है तो माइनस होगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x। अब इस 3 के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर में मतलब डिवीजन के फॉर्म में 3 आएगा। अगर यही डेरिवेटिव होता तो आप लोगों को बताया गया था, अगर साइन 3x का डेरिवेटिव करना होता तो क्या होता, कॉस 3x इंटू 3 होता, बट इंटीग्रेशन में क्या आता, ये डिनोमिनेटर में आता है एज अ डिविजन फॉर्म में आता है, माइनस
अब डीएक्स डीएक्स कट कर दीजिए, साइन थ्री एक्स क्या हो गया माइनस कॉस थ्री एक्स बाई थ्री, ठीक है, ये माइनस माइनस चले गए घर, ठीक है, तो माइनस एक्स बाई थ्री कॉस थ्री एक्स। अब फिर इंटीग्रेशन किया, कॉस का क्या होगा बच्चों, साइन हो जाएगा भैया साइन थ्री एक्स, एक थ्री पहले से था एक और डाल दिए प्लस सी तो नाइन हो गया ना। चलो समझ आया सारे बच्चों को, ठीक है, बस यही था क्या सवाल में था, कुछ नहीं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन और ये बाई पार्ट्स वाले सारे क्वेश्चन आसान है, अगर थोड़ा सा ध्यान रखें थोड़ा सा समझ जाए तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल बड़ा ही ध्यान से हम देखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स। सबसे पहले क्या लगाना है, आंख बंद करके हाईलाइट, अरे आंख सच में मत बंद कर लेना, ठीक है। तो ई पावर एक्स सबसे लास्ट में आता है, तो हमेशा ये सेकंड फंक्शन होगा, ये वाला पहला फंक्शन होगा, बस खेल खत्म। अब फॉर्मूला याद कर लो, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स का होल डी एक्स, यही था। तो भैया एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स, सो एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, टू एक्स ई पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स का ई पावर एक्स है। अब बोलेगा भैया ये तो फिर यू वी हो गया, देखो कभी कभी एक से अनेक बार हमें यू वी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स और ये माइनस टू जो है ब्रैकेट में ले ले और यहाँ पे यू वी लगा दे, फिर वही ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स देन होल डी एक्स, यही है ना भैया, सही बात है। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस टू एक्स ई पावर एक्स माइनस ये क्या हो गया, वन हो गया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स क्या हो गया, ई पावर एक्स। तो पहली बार में तो इसको यहाँ पे कर देते बच्चों, पहली बार में क्या हो गया, ये तो वन हो गया, और इंटीग्रेशन ई पावर एक्स क्या हो गया, ई पावर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, ई पावर एक्स ओनली, ठीक है, हो गया। तो बस अब ई पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिला टू एक्स मिला माइनस टू मिला, हो गया प्लस सी कर दीजिए। चलिए कोई दिक्कत बच्चों, हल्का तरीक सा भी संदेह होगा आपको, किसी तरह का भी संदेह होगा बच्चों, तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएंगे जरूर, ठीक है। आते हैं हमारे चौथे सवाल पे, चौथा सवाल जो आपको बहुत दूर ले जाएगा, कितनी दूर ये आपको जानना है, ठीक है। अब लॉग वाले भैया आए एक्स के साथ, तो आई लेट में देखिए लॉग पहले आ रहा है अलजेब्रा से, ये लॉग वाले भैया ये अलजेब्रा वाले, तो ये लॉग वाले को फर्स्ट कीजिए अलजेब्रा वाले का दो। तो फॉर्मूला क्या है लिख लेते फिर, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स फिर होल का डी एक्स, यही है ना। तो पहला फंक्शन तो हमने ले लिया लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स फिर होल डी एक्स, यही तो है। तो लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, ये एक और ये एक्स कट गया, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, यही बचा बच्चों, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे भी आपको प्लस सी वन मिला, यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस सी, तो दोनों कांस्टेंट को मिला देंगे तो एक और कांस्टेंट ही बनेगा ना, तो वो सी लिख दिए, तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे पांचवें सवाल पे, पांचवा सवाल बड़ा ही ध्यान से करिएगा, बहुत ही आसान है। अब लॉग एक्स इनका मन नहीं भरा तो क्या कर दिए, लॉग टू एक्स कर दिए, अरे भैया अभी भी लॉग ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन का है, आईलेट पढ़ लीजिए। और फॉर्मूला क्या था, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द्वितीय फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द्वितीय फंक्शन फिर होल इंटीग्रेशन, यही है ना। तो लिख दीजिए लॉग टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन
माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स होल डी एक्स, यही तो है लॉग टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू एक्स क्या हो जाएगा वन बाई टू एक्स, और फिर क्या करेंगे चेन रूल टू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा टू, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है डी एक्स, तो ये टू और ये टू कट गया, ठीक है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ये लॉग वाला टू देखकर ये टू देखकर सनसनाए कि काट दिया, ऐसा नहीं करना बच्चे लोग ध्यान से रखिएगा ऐसा नहीं करना है। क्या करना है तो लॉग के अंदर जो भी है ठीक है और ये बाहर जो है इसको आप ऐसे कट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये टू बाई ए आ जाए तो ऐसे नहीं कट कर देंगे, बहुत बच्चे अभी भी इनका कंसेप्ट थोड़ा वीक रहता है तो ऐसे कट कर देते, नहीं करना। लॉग टू एक्स माइनस ये हाफ बार ले आइए एक्स स्क्वायर है तो एक और एक कट गया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ठीक है। देखिए जब इसको इंटीग्रेट किए थे तो एक प्लस सी वन आया था, इसको इंटीग्रेट किए तो एक प्लस सी टू आया, ठीक है। अब क्या करेंगे कांस्टेंट का भाई कांस्टेंट ही होता, जोड़ देंगे दोनों भाई को तो क्या हो गया एक बड़ा सी हो गया, खत्म खेल, ठीक है। चलिए समझ आया बच्चों सारे को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर छ, क्वेश्चन नंबर सिक्स सेम क्वेश्चन है, इस बार बेचारे उन्होंने लॉग को नहीं चेंज किया, बोला अलजेब्रा को थोड़ा चेंज कर देते, कर दीजिए भैया क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अभी भी लॉग एक्स पहला फंक्शन है और एक्स स्क्वायर हमारा क्या है दूसरा फंक्शन है, क्यों आईलेट नहीं पढ़े क्या? अरे लेट में लॉग पहले आता है ना, अलजेब्रा बाद में आता है, तो अलजेब्रा जब बाद में आता है तो अलजेब्रा को क्या करेंगे दो नंबर डाल देंगे और लॉग को एक नंबर, ठीक है। कहानी बहुत ही सरल है, ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं कीजिए। अब देखिए क्या करना है, तो पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन फिर होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स होल डी एक्स, सो लॉग एक्स एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स वन बाई एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स वन बाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। अब देखिए ये वाला और ये वाला एक चला गया ना दो बचा, ठीक है। तो एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स माइनस वन बाई थ्री को बाहर ले लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री हो जाएगा प्लस सी, ये हो गया बस हो गया खत्म खेल। चलिए अब सातवां नंबर सवाल देखते हैं, सातवां नंबर सवाल बड़ा ही बेहतरीन क्या दिया है हमें, इनवर्स ला दिया इन्होंने, ठीक है। अब तक हाईलाइट में सब लगा चुके थे, इनवर्स की बारी थी, इनवर्स भी हम आज लगा ही दे रहे हैं। तो आई का मतलब ये होता है इनवर्स, तो सबसे पहले आता ये हो गया हमारा पहला फंक्शन, ये हो गया दूसरा फंक्शन, तो साइन इनवर्स एक्स फॉर्मूला हम सबको याद है क्या, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ पहला फंक्शन फिर होल डीएक्स, यही तो है भैया क्या है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स माइनस डी बाई डीएक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन दैट इज साइन इनवर्स एक्स, ये है ना बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स फिर होल डीएक्स, सो साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ये डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स नहीं पता, तो साइन इनवर्स एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करते बच्चे हमें मिलता है वन बाई रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये आया एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना भैया, बहुत ही आसान है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है एनसीईआरटी में, तो बहुत बार रिपीटेड है। तो हाफ ले आए बाहर, अब क्या करना है मुझे वन माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर लाना है, तो मैंने क्या किया ये प्लस को अंदर ले लिया, ये एक्स स्क्वायर के साथ माइनस डाल दिया, कोई दिक्कत बताओ, ये वाला को इसको दे दिया भैया ले लो और तुम रख लो। अब प्लस एक जोड़ दिया, देखो प्लस एक जोड़ने की गलती की तो फिर माइनस एक भी जोड़ना पड़ेगा ना बराबर करने के लिए, हो गया
रूट अंडर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, dx। अब x² / 2 साइन इनवर्स x। अब क्या करना बच्चों, अब क्या करना, इसको खोल देना, एक वाले में तो हो गया 1 माइनस x² / √(1 − x²) dx, और दूसरे वाले में क्या हो गया, -1 और हाफ जोड़ दिए तो क्या हो, -half dx / √(1 − x²)। यहां तक आया, देख लो, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को कॉपी कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट वाले पेज में चिपका के मस्त क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। चलो अब देखो कहां तक किए थे बच्चे, हम लोग यहां तक कर चुके हैं। इस वाले की क्या वैल्यू है, यही वाली है। अब इंटीग्रेट करना है, क्या इंटीग्रेट करना है, देखो ध्यान से, x² / 2 ये आया साइन इनवर्स x प्लस हाफ। अब देखो इस वाले को कट करके ऊपर में डाल सकते हैं, कैसे भैया, ये था रूट, ये था 2, नीचे था √2, तो 2 किससे बना, 2 √2 से बना, तो एक इधर को कट करेंगे तो ऊपर में एक आ जाएगा, बस वही किया। अब देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, a² - x² अगले एक्सरसाइज में हम जरूर पढ़ेंगे, -half of। अब देखो ये वाला तो साफ दिख रहा है बच्चों, ये क्या है साइन इनवर्स एक्स है, ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला है √(√)(a² - x²। तो ध्यान से देखना बच्चों, इसका फॉर्मूला हमने आपको दे दिया है, ठीक है। इंटीग्रल्स में आते हैं, फॉर्मूला में आते हैं, ठीक है। a² - x² क्या है, x/√(√)(a² - x²) + a² / 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो क्या हो जाएगा, +half (x/√)(a² - x²) + a² / 2, सो 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स x/a + c, ठीक है, हो गया। और इधर क्या है, हाफ अगर कॉमन ले लो बच्चों तो -sin inverse x + c, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। थोड़ा बड़ा हुआ ये वाला पार्ट, थोड़ा सा समझने का बच्चों, ये वाले पार्ट में हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया और ये फॉर्मूला का वैल्यू ये वाला आया, ठीक है। चलो अगले एक्सरसाइज में और डिटेल में देखेंगे, इसलिए घबराना नहीं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो 8 में क्या है, सेम चीज है, बस इस बार टैन इनवर्स दे रखा है इन्होंने, तो टैन इनवर्स के लिए भी यहाँ भी सेम चीज है। ये हो जाएगा पहला फंक्शन, क्यों, क्योंकि आईलेट में आई सबसे पहले आता है, इनवर्स वाले फंक्शन सबसे पहले आते हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। फॉर्मूला क्या है, यू इंटीग्रेशन ऑफ vdx माइनस इंटीग्रेशन du/dx इंटीग्रेशन vdx का होल dx, ये है ना। तो क्या हो गया फॉर्मूला, हम लिख दिए पहले टैन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx माइनस d/dx ऑफ टैन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx होल dx, ये हो गया ना बच्चों। तो टैन इनवर्स एक्स तो हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x² / 2 माइनस d/dx ऑफ टैन इनवर्स, सब बच्चों को पता होगा, 1/1 + x² * x² / 2, ठीक है dx। अब देखो बहुत आसान हो गया, +1 - 1 कर देंगे तो हमारी खेल खत्म हो जाएगी, x² / 2 टैन इनवर्स एक्स माइनस हाफ को बाहर निकाल लो, ये हुआ x², तो इसमें +1 जोड़ दिए, -1 जोड़ दिए, /1 + x² dx, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों, x² / 2 टैन इनवर्स एक्स माइनस हाफ। अब एक पार्ट तो ये वाला हो गया, ये पूरा बाई ये वाला, तो ये 1 आ गया, -half, ये आ गया -1/1 + x² dx, ठीक है। तो अगर इसको इधर सॉल्व कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, सिर्फ ये वाला पार्ट, क्योंकि ये आंसर क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये हो गया x² / 2 टैन इनवर्स एक्स, ये वाला का आंसर क्या हो गया, -x² + ½ tan inverse x, यही हो गया ना, +c हो गया, खत्म। क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान से आप समझने की कोशिश करोगे तो देखोगे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 9। 9 नंबर सवाल
एग्जैक्टली सेम है। अभी तक हमने एक्स को साइन इनवर्स किया, एक्स टैन इनवर्स किया, अब एक्स कॉस इनवर्स करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स, कैसे करना, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो इनवर्स वाला जो फंक्शन है हमेशा पहला फंक्शन होता है, और जो एलजेब्रा है यहाँ पे वो दूसरा में आ जाएगा। क्यों, आप सबको पता है आईलेट में आई सबसे पहले आती है ना, इसीलिए। ठीक है, चलिए अब फिर क्या करना है, फॉर्मूला लगा दे। तो पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन होल डीएक्स। देखिए सब बच्चों को समझ आया यहां तक, तो क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है, माइनस वन बाई रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये माइनस माइनस गया तेल लेने। ठीक है चलिए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस हाफ आ गया बच्चों। अब देखिए मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, एक भाईजन को माइनस दे दिया, एक बाहर में माइनस लिख दिया। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम करना है। प्लस वन डाल दिया, माइनस वन डाल दिया। देखिए मेरे पास था जस्ट एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो जैसे ही मैंने इधर में एक माइनस डाला, एक बाहर भी डाल दिया। फिर मुझे चाहिए था प्लस वन, तो मैंने प्लस वन कर दिया। मेरे चाहने से थोड़ी ना होगा, अगर प्लस वन किया तो माइनस वन भी करना होगा, तो कर दिया। अब ये आ गया रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ, एक पार्ट तो आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक पार्ट आ गया माइनस हाफ इंटीग्रेशन, मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ, माइनस वन बाई रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डीएक्स। देखिए हो गया, चलिए तो कोई दिक्कत बच्चों। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू आया कॉस इनवर्स एक्स आया माइनस, अब ये वाले को अगर कट करेंगे तो न्यूमिरेटर में रूट आ जाएगा हाफ। अब इस वाले का फॉर्मूला क्या है, आइए फॉर्मूला में चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एक्स बाई टू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई, ये है ना फॉर्मूला। सो हाफ इंटू एक्स बाई टू रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, मतलब हाफ ही हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए, सो एक्स हो गया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस बच्चों, प्लस हाफ। अब ये इंटीग्रेशन किसका है, साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, अब आप देखो यहां माइनस हाफ था, ठीक है, ऑफ दिस होल पार्ट, और यहाँ पे प्लस हाफ है, तो क्या कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, मगर कुछ पार्ट तो बचेगा। चलिए देखते हैं अगले वाले में, तो इस वाले को कट कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं ना। इसको लेके चलते हैं हमारे अगले पेज में। चलिए ये वाला आया हमारे पास, अब क्या क्या कट हो सकता है ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो पहला तो मुझे क्या मिल गया बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स मिल गया, यहां मिल गया एक्स बाई फोर रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इसको यहां पे अंदर डालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ही अंदर डाले ये माइनस वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो एक और चीज हम यहां कर सकते थे बच्चों, ठीक है, क्या कर सकते थे, यहां पे हमें मिला माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो हमने माइनस किया। ठीक है, तो यहां प्लस हो गया, ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स में। हम चाहते थे इसको अगर एक माइनस डाल के कॉस इनवर्स एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई टू, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई फोर रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन बाई टू माइनस वन बाई फोर क्या होता है बच्चों, तो ये फोर एलसीएम ले लो, सो टू माइनस वन सो वन हो जाएगा, सो प्लस
हाफ साइन इनवर्स एक्स, 1/4 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको आप, ये आपका आंसर प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या करना है। इंटीग्रेशन ऑफ कुछ है नहीं, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। तो अगर कुछ नहीं रहते तो हम क्या ले लेते, वन। वन क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन में, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स मेरा पहला फंक्शन और ये वन भैया दूसरा फंक्शन। तो क्या होता है, पहला फंक्शन साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन डी बाय डीएक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन वन डीएक्स फिर होल डीएक्स, यही है ना। जस्ट फॉर्मूला लिख दिया बच्चों, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डीएक्स इंटीग्रेशन वी डीएक्स डीएक्स, यही लिख दिया हमने। तो क्या मिला मुझे, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस। अब यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, चेन रूल करेंगे। तो सबसे पहले पावर को करेंगे तो टू साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स डी एक्स। अब करना क्या है, अब क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को टी पकड़ लो, ठीक है। ये वाला तो आसानी से हो गया, एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू बाहर में। तो अब हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को हम पकड़ लिए टी, तो वन बाई रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी, ठीक है। तो ये वाला पूरा क्या हो गया, डी टी हो गया। अब इसको इधर भेज दो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन टी, ठीक है। तो टू ये हो गया साइन इनवर्स एक्स को मैंने पकड़ लिया टी, और ये एक्स हो गया मेरा साइन टी, और ये डी टी। अब देखो फिर यू भी हो गया अच्छे से, तो कन्वर्ट कर लेना। तो कभी कभी क्या है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, माइनस टू। अब फिर यहाँ पे बड़े से करके ये अलजेब्रा ये ट्रिगो, तो अलजेब्रा वाला इस बार डोमिनेट कर जाएगा क्योंकि इनवर्स तो है नहीं। तो यू मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी फिर होल टी, यही तो है। तो ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो एक्स ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू। अब टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस टी माइनस डी टी डी टी हो गया वन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस टी, सो ये हो जाएगा कॉस टी डी टी, ठीक है। सो एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट प्लस हो गया टी कॉस टी माइनस टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या हो गया, साइन साइन टी प्लस टी। देख लो समझ आ गया, चलो सारे बच्चों को समझ आ गया। अब देखो बहुत बार आंसर क्या है, यहाँ पे साइन टी की जगह एक्स होगा, तो एक्स इक्वल टू साइन टी है तो टू एक्स भी लिख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही सिंपल, ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ध्यान से देखना है। एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले देख के भैया यहाँ यू वी और नीचे भी कुछ है जेड, तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन जरूर लगाएंगे, ठीक है। तीन बेसिक इंटीग्रेशन के, एक सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, तो सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स पार्शियल फ्रैक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन पहले लगेगा। तो क्या करेंगे भैया, कॉस इनवर्स एक्स को पकड़ लेंगे टी, तो माइनस वन बाई रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो ये तो दिया, माइनस तो है नहीं, तो माइनस डी टी कर देंगे। तो अगर कॉस इनवर्स एक्स को टी पकड़े बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स को हमने अगर टी पकड़ा, तो इनवर्स को अगर उधर भेजे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, कॉस टी। सो इंटीग्रेशन कॉस टी, और ये वाला पूरा हो गया मेरा माइनस डी टी, और ये वाला कॉस इनवर्स एक्स को क्या पकड़े, टी। तो ये पूरा का पूरा सवाल बन गया टी कॉस टी डी टी, हो गया। अब सॉल्व कर ले बच्चों, तो ये हम अब क्या लगा सकते, यूवी। तो अब यूवी लगा दे, क्या है इसमें यूवी लगाने में, ठीक है। तो अब ये अलजेब्रा डोमिनेट करेगा, पहला फंक्शन ये
सेकंड, सो टी बार में माइनस है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डीटी माइनस इंटीग्रेशन डीटी डीटी इंटीग्रेशन कॉस टी डीटी होल डीटी, ठीक है? तो माइनस टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है बच्चों, साइन टी माइनस डीटी डीटी कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन टी डीटी, ठीक है? सो माइनस टी साइन टी, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस टी प्लस सी, आ गया आंसर बच्चों। अब हम चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, टी की जगह जहां जहां है कॉस इनवर्स एक्स हम लिख के इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स है, तो ये तो ट्रिगो वाली फंक्शन, ये अलजेब्रा वाली, तो आईलेट में क्या बताया गया था हमें कि सबसे पहले कौन आएगा बच्चों, अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिगो, तो इसको दे दीजिए हम यू बना दिए, इसको बना दिए हम वी फंक्शन, तो क्या है मेरा फॉर्मूला, यू इंटरसेक्शन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटरसेक्शन डी यू बाई डी एक्स इंटरसेक्शन वी डी एक्स का होल डी एक्स, यही है ना, ठीक है? तो क्या हो गया देख लो, सबसे पहले तो पहला फंक्शन क्या है, एक्स इंटरसेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बच्चों, सेकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सो डीएक्स बाई डीएक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स होल डीएक्स, इंटरसेक्शन नहीं है बच्चों, वो इंटीग्रेशन है, ठीक है? सो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, टैन एक्स, सो एक्स टैन एक्स माइनस ये डीएक्स डीएक्स कट हो गया, वन सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या हो गया, टैन एक्स डीएक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स भी आप लोगों को पता है बच्चों, क्या है फॉर्मूला बताओ बताओ, देखें कितना फॉर्मूला याद है, क्या हो जाएगा बच्चों, कितने बच्चों को याद है, देखो फॉर्मूला हमेशा याद रखना, तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स, दो में से कोई एक भी कर लो, प्लस सी, तो माइनस माइनस कट गया, आंसर क्या हो गया, एक्स टैन एक्स प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, ये वाला आंसर आ गया हमारा, ठीक है? चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इस बार जस्ट इन्होंने क्या किया, टैन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन दे दिया, तो कुछ नहीं तो क्या करेंगे, वन लगा देंगे, पहले भी बताया ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा दूसरा फंक्शन वन, और फॉर्मूला हमें आता है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन दूसरा फंक्शन फिर होल डी एक्स, यही तो है सवाल, बस इसमें डरना क्या है, टैन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा, एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या हो गया, एक्स डी एक्स। अब देखो यहां पे आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो बच्चों, अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी पकड़ा तो टू एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, डी टी, सो एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई टू, एक्स डी एक्स मेरा कितना हो जाएगा, डी टी बाई टू, सो एक्स टैन इनवर्स एक्स माइनस ये हो गया डी टी बाई टू, हाफ लिख दिया यहां नीचे टी, तो एक्स टैन इनवर्स एक्स माइनस हाफ लॉग टी। अब टी की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है? आ गया आंसर, क्या डिफिकल्ट है इसमें, ठीक है? चलिए अब करते हैं लॉग वाले भैया 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल देखना बड़े ध्यान से बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स, अब लॉग एक्स के पावर में, पावर में नहीं, लॉग एक्स दो बार आया, ठीक है? तो हम सब जानते हैं लॉग डोमिनेट करता है, तो ये पहला फंक्शन ये दूसरा, बिकॉज आईलेट में एल पहले आता है, ठीक है? तो क्या करते हैं, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन फिर होल डी एक्स, ये है ना फॉर्मूला, ठीक है? तो इस तरह से बोल के याद करोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है? 5-10% है, पूरा कंप्लीट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, अब अगर हम लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करना है, तो टू लॉग एक्स आया, अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो गया, वन बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या हो गया, एक्स डीएक्स, तो एक्स एक्स गया तेल लेने, अब फिर बचा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान दो,
ठीक है। ओ यहाँ छोटा सा मिस्टेक, यहाँ एक्स आएगा ना बच्चों, तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये एक एक्स कट जाएगा, ठीक है, ये टू कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा मुझे, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स। देखो फिर यू भी आ गया, ये फिर मेरा यू, ये वी, तो कोई दिक्कत नहीं, डबल कर लेंगे, क्या आ जाता है अपने को, कंसेप्ट तो सेम ही है ना, खाली बस मेहनत ज्यादा है। तो पहला फंक्शन कौन सा मेरा, लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स होल डीएक्स, यही तो है बच्चों, ठीक है। तो चलो इसको नेक्स्ट पेज में कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ना, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया बच्चों, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन बाई एक्स, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, तो ये और ये कट गया, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये आ गया बच्चों, ठीक है। अब माइनस मल्टीप्लाई कर दो, सो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, ठीक है, प्लस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू मतलब एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, ये है। अब देखो सॉल्व हो गया, और कुछ करना है नहीं, करना है डन, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों, थोड़ा लेंदी हो जाता है कभी कभी, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा, उतना ज्यादा अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। मेरा 10% का काम है बच्चों, आपका 90% का, ठीक है, और वो ईमानदारी वाले 90% चाहिए। चलिए अब फिर लॉग एक्स और एलजेब्रा है, तो इसको पकड़ लिया हमने यू फंक्शन, इसको पकड़ लिया वी फंक्शन आइलेट रूल से, ठीक है। तो आइलेट रूल हमें क्या बताता है बच्चों, कि किसको पहला पकड़ना है, तो एल पहले आता है, ए बाद में आता है, तो ये यू फंक्शन हुआ, ये वी फंक्शन। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन होल इंटीग्रेशन, यही है, ठीक है। अब लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हटा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री, और प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों एक्स, ये दोनों एक साथ कर दिए, ठीक है, घबराना नहीं। इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री डीएक्स। अब ये एक्स कट गया, ये स्क्वायर हो गया, तो क्या मिला एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री डीएक्स, यही है ना बच्चों, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देना बच्चों ध्यान से, सो एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या हो गया एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स क्यूब बाई एक, थ्री पहले से था, एक और थ्री बाई नाइन प्लस सी, यही हो गया आंसर हमारा खत्म। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 16, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। तो इस सवाल को करने से पहले सबसे पहले याद करेंगे बच्चों, ई पावर एक्स फंक्शन मिला, फंक्शन का डेरिवेटिव मिला, तो क्या करना है, मजे कर रहे हैं कि अगर ये चीज मिल गया तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। आपको प्रूफ करके भी दिखाया गया था कि आखिर करना कैसे, ठीक है। अगर हमारे पास ई पावर एक्स है, हमारे पास फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ई पावर एक्स और फंक्शन प्लस सी। तो अब कौन किसका डेरिवेटिव है जानने के लिए हम जरूर देखेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन 7.6 का ये वाला क्लास, ठीक है। एफ एक्स को हमने ले लिया बच्चों साइन एक्स, तो अगर एफ डैश एक्स किया हमने तो क्या मिलेगा हमें कॉस एक्स। अब बोलोगे भैया कॉस एक्स को अगर हम एफ एक्स को कॉस एक्स लेते तो भैया डिफ्रेंशिएट करते तो माइनस साइन एक्स कहां चलाते, ठीक है, इसलिए उल्टा लिया।
तो ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियां नहीं करना। तो e पावर x, ये हो गया मेरा फंक्शन एफ एक्स, और ये हो गया एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या होता है, e पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो आंसर क्या हो गया, e पावर x साइन एक्स प्लस सी, यही हो गया आंसर, खत्म। ठीक है, चलिए चलते हैं सवाल नंबर 17 पे। सवाल नंबर 17 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। एक्स ई पावर एक्स बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए, डायरेक्ट देख के नहीं लग रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है, इस वाले फॉर्म में हम इसे ला सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा मेहनत करके बनाना है। कैसे बनाना बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले तो ई पावर एक्स को बाहर निकाल दो, भैया आपका इसमें कुछ काम नहीं। एक्स अकेला, उसमें वन जोड़ दो, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को थोड़ा सेम करने का मन कर रहा है। एक और वन डाल दो, तो वन प्लस एक्स होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ऐसा तो लिख ही सकते। तो क्या हो गया, e पावर x इंटू, एक पार्ट तो हो गया वन प्लस एक्स बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो कुछ दिख रहा है क्या, देखो e पावर x इंटू, ये हो गया वन बाई वन प्लस एक्स माइनस वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको t पकड़ेंगे बच्चों, तो क्या मेरा ये f डैश t है? अगर ये फंक्शन एफ ऑफ टी है, क्या ये एफ डैश टी है? डेफिनेटली। ठीक है, अगर मेरे पास फंक्शन है वन बाई टी, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन बाई टी स्क्वायर। ये अगर आपको थोड़ा सा याद रहेगा बच्चों, आप आसानी से ये सवाल को कर लोगे और आंसर डायरेक्ट लिख दोगे, ई पावर एक्स इंटू फंक्शन क्या है, वन बाई वन प्लस एक्स प्लस सी, हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल ध्यान से करना बच्चों, 18 नंबर। कोशिश करना मेरे से पहले सवाल को कर लो, जैसे ये क्वेश्चन स्टार्ट हो वीडियो को पॉज कर लो, एक बार खुद से ट्राई करो और फिर इस सवाल को देखो। अगर नहीं बनता है तो देख लो, और अगर बन जाता है तो भले भले। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या बच्चों, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स वन प्लस साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स। अब इसको देख के ज्यादातर बच्चे समझ नहीं पाएंगे। देखो फॉर्मूला तो दिमाग में एक ही हिट करना चाहिए, क्या e पावर x है तो एक फंक्शन मिल जाए प्लस उसका डेरिवेटिव हमें मिल जाए, यही चाहिए ना हमें। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, वन बाई वन प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स। किसी को कोई दिक्कत बताओ, जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। अब मैं क्या करूंगा, इस वन को तो वन ऐसे ही रहने दो, थोड़ा सा ट्रिक को याद करूं। वन प्लस कॉस टू थीटा, क्या फॉर्मूला था बच्चों, टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस कॉस एक्स कितना हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, करेक्ट। अब साइन टू एक्स क्या होता है बच्चों, टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख देंगे टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो अब इससे बोलोगे भैया इससे क्या काम बनने वाला, तो देखो मजा देख लो। तो क्या मिला तुम्हें, ई पावर एक्स वन बाई कॉस क्या होता है बच्चों, सीकेंट स्क्वायर, सो सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू बाई टू, प्लस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, टैन एक्स बाई टू। अब देखो अगर इसको हमने पकड़ लिया एफ एक्स, टैन एक्स बाई टू को हमने पकड़ लिया टी, सो सीकेंट स्क्वायर एक्स एक्स बाई टू इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हाफ, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखो अगर एक फंक्शन इसको हमने पकड़ लिया एफ एक्स, तो ये मेरा हो गया एफ डैश एक्स, करेक्ट। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, ई पावर एक्स टैन एक्स बाई टू प्लस सी। देखो कौन सा कठिन था, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हमें आनी चाहिए थी, फॉर्मूला याद होने चाहिए थे। अगर आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद है तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। 19वां नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। देख के हमें पता, अगर वन बाई एक्स को हमने टी पकड़ा तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर हमारा डी टी होगा। देखिए सीधी सी बात है बच्चों, ये याद कर लेंगे, अगर हम डेरिवेटिव करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस वन, मतलब वन बाई एक्स, तो क्या हो जाता है, माइनस वन इंटू एक्स एन पावर माइनस वन, सो माइनस वन माइनस वन, तो माइनस वन इंटू एक्स पावर माइनस टू,
ये बेसिकली क्या है, तो -1/x² ये होता है ना। तो ये अगर मेरा एफ एक्स है तो ये बच्चों क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, खेल खत्म। तो ये वाला फंक्शन बन गया इंटीग्रेशन ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ठीक है, तो आंसर क्या होता बच्चों, तो बच्चों आंसर हो जाता है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स इंटू 1/x + c। ठीक है, चलो आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल 20 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई के पावर में एक्स एक्स माइनस 3/x - 1 का होल क्यूब। कैसे करेंगे इस सवाल को, बड़ा ही कठिन सवाल है। इल्ला इल्ला एकदम कठिन सवाल नहीं है बच्चों, एकदम जरा सा भी कठिन सवाल नहीं है। ध्यान से देखो, पहले ई पावर एक्स तो हमने ले लिया, अब इस ई एक्स माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, x-1 - 2। ठीक है, बाई x-1 का होल क्यूब। अब देखो फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई पावर एक्स इंटू एक तो हो गया x-1/x-1 का होल स्क्वायर, -2/x-1 का होल क्यूब। देखो किसी को किसी भी तरह का कोई संदेह, कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई दिक्कत जल्दी से बताओ। 1/x-1 लाइव क्लास हो रही ना, जो जल्दी से बता पाओगे। 2/x-1 का होल क्यूब। अब देखो अगर हम 1/x-1 को अगर टी पकड़ ले, होल स्क्वायर को अगर टी पकड़ ले, बेसिकली हम बोल रहे हैं x-1 के पावर में -2 का अगर हम टी पकड़ ले तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2 × n × x^n-1 पावर -2 - 1 बच्चों। तो ये हो जाएगा मेरा इस फंक्शन का एफ डैश टी, अगर मेरा ये एफ ऑफ टी है। तो देखो क्या मिल गया, -2/x-1 का होल क्यूब। तो अगर हमने पकड़ा इसको एफ एक्स तो ये बन गया हमारा एफ डैश एक्स। डायरेक्ट हम फॉर्मूला में पुट करेंगे बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें ई पावर एक्स मिला है, फंक्शन मिला है और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव को कर दो स्वाहा, आंसर हो जाएगा ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स इंटू 1/1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस सी। आंसर हो गया बच्चों, ठीक है, बड़ा ही सीधा सा आंसर था। चलिए चलते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 21वां नंबर क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, ई के पावर में 2x है और साइन एक्स है। तो क्या करना है, ई हमेशा जो क्या आईलेट में सबसे लास्ट में आता है, तो ये सेकंड फंक्शन, ये वाला मेरा फर्स्ट फंक्शन। किसी को कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा देख लो, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ई पावर 2x dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से बच्चों, एक छोटी सी कठिनाई आएगी, उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, इस पूरे वाले को मैंने पकड़ लिया इंटीग्रल आई, क्या पकड़ लिया इंटीग्रल आई। तो क्या मिला बच्चों, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x क्या हो जाएगा, ई पावर 2x/2। इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है, माइनस d/dx ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स भैया, इंटीग्रेशन कॉस एक्स ई की पावर में 2x। बोलो फिर से करना होगा /2। ठीक है, क्या फिर से करना होगा, हाँ बच्चों फिर से करना तो जरूरी है। ठीक है, तो फिर से डिफ्रेंशिएट कर दे, क्या करेंगे इस बार क्या आएगा बताओ। अब अगर हम इसे यूवी करें, इस वाले को हाफ बाहर निकाल ले, तो हमें क्या बचा, ई पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन ई पावर 2x × cos x dx। इसे हमने पकड़ लिया फिर से बस द्वितीय फंक्शन, इसे पहला वाला, तो यूवी लगा दिया बच्चों। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस हाफ। ठीक है, ये वाला क्या हो गया बच्चों, कॉस एक्स इंटीग्रेशन ई पावर 2x माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ कॉस एक्स इंटीग्रेशन ई पावर 2x dx, यही बचा ना बच्चों। और ये वाला पार्ट तो है ही, इसको इधर लिख दो, प्लस ई पावर 2x/2 साइन एक्स। अब इसको कट कर लो, अगले पेज में हम चले जाते, इस पेज में जगह हो गई है खत्म। तो अगले पेज में इसको पहले चिपका देते बच्चों। ठीक है, अब देखो सॉल्व पहले कर ले, माइनस अब क्या आया था,
ई के पावर में 2x बाई 2 है, साइन एक्स है, माइनस हाफ ब्रैकेट कॉस के पावर में एक्स ई पावर 2x बाई 2, ठीक है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बच्चों, साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई पावर 2x, और ये 2 जो है बाहर निकाल लिया मैंने। अब देखो क्या यही वाले फंक्शन को लेके हम चले थे बच्चों, तो इस वाले फंक्शन को हमने आई नाम दे दिया, इसी को लेके चले थे ना, इसको आई नाम दे दिया, उधर भेज दो, तो क्या हो गया बच्चों, ई पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1/4 कॉस एक्स ई पावर 2x। अब ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, माइनस ई पावर इंटीग्रेशन ई पावर 2x साइन एक्स बाई 4 आ गया बच्चों। अब देखो इस वाले को हमने पूरा का पूरा आई पकड़ा था, ये आई बाई 4 हो गया, तो क्या लिख सकते हैं, ई पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ई पावर 2x बाई 4 माइनस आई बाई 4। अब ये ऑलरेडी आई की वैल्यू, ये कोई ना कोई एक इंटीग्रल था इस वाले को, आई इक्वल टू दिस, तो उसी को इंटीग्रेट कर रहे थे, जब उधर भेजेंगे तो क्या होगा, आई प्लस आई बाई 4 हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या था बच्चों, क्या आया देखो, ई के पावर में 2x बाई 2 साइन एक्स ये आया, माइनस कॉस एक्स ई पावर 2x बाई 2 प्लस सॉरी माइनस आई बाई 4। अब इसको उधर भेज दिए, सो आई प्लस आई बाई 4 क्या हो जाएगा, 5 आई बाई 4 इक्वल टू ई पावर 2x साइन एक्स बाई 2 माइनस माइनस, यहां पे देखो बच्चों कॉस एक्स बाई 4 है ना, तो यहां पे क्या हो गया, कॉस टेक्स बाई 2, ठीक है, तो यही आंसर आया। अब उधर भेज दो 4 और 5 को, आई इज इक्वल टू उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 ई पावर 2x बाई 2 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2, सो ये 2 2 ये कट गया, आंसर आ गया प्लस सी, देख लो बच्चों ये आंसर है, ठीक है, आंसर क्या हो गया, ई पावर 2x बाई 5 ये 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर है बच्चों, हो गया। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले सवाल में, बड़ा ही बेहतरीन सवाल देखने से लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, इंटीग्रेशन है साइन का इनवर्स है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इसको वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिनको ट्रिगो आती है। अब बोले भैया ऐसा क्यों बोले, क्योंकि देखो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, यह है किसका फॉर्मूला बच्चों, साइन किसका है 2 थीटा, ठीक है, तो ये चीज बच्चों को आता है, उन्होंने एक ही बार में एक्स को टैन थीटा लेना है, तो जैसे ही एक्स को टैन थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा डीएक्स सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा बच्चों, करेक्ट, सो साइन इनवर्स बाई 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, सो ये हो गया इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, करेक्ट, ठीक है, इनटू अब डीएक्स की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, अब यहाँ जो डीएक्स वाले भैया बैठे थे उनको हटाएंगे ना बाबू, क्योंकि हम तो लिख लिए अब थीटा पे, तो एक्स तो रह नहीं सकते, और ये साइन इनवर्स और साइन हट गए तो क्या बचा, 2 थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन कर पाओगे थीटा और डी थीटा का, तो 2 को बाहर निकाल लो, हो गया अपना काम। तो थीटा मेरा अल्जेब्रिक फंक्शन है, ज्यादातर बच्चों को पता होगा, और सीकेंट थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अल्जेब्रिक पहले आएगा ट्रिगो बाद में आएगा, तो थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, होल डी थीटा, ठीक है, चलो और 2 बार है, तो 2 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, टैन थीटा माइनस डी थीटा कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ दैट टैन थीटा डी थीटा, ठीक है, अब ये वाला पार्ट को कट करके नेक्स्ट पेज में चिपका देते हैं बच्चों,
यहां तक तो सबको समझ आ गया होगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में देखो क्या है, हमने लिख दिया आंसर, ठीक है। तो हमारे पास आया 2 थीटा टैन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा, तो 2 थीटा क्या है बच्चों, थीटा है देखो x इक्वल टू टैन थीटा लिया तो थीटा क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स x, तो थीटा हो गया टैन इनवर्स x, और टैन ऑफ टैन इनवर्स x क्या हो जाएगा x, ठीक है। ये देख लो टैन थीटा मतलब टैन इनवर्स x, तो ये हो गया x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा क्या होता है बच्चों, क्या हो जाता है माइनस लॉग कॉस थीटा, ठीक है प्लस सी। अब टैन थीटा को हमने एक्स पकड़ लिया बच्चों, ट्रायंगल मेथड में आ जाते हैं, ये थीटा टैन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये एक्स है तो ये वन है, तो ये क्या हो गया रूट अंडर ऑफ 1 प्लस x2, तो कॉस थीटा निकालने जाएंगे तो क्या होगा बेस परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सो एक्स बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस x2, ये हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है। बेस बाई सॉरी परपेंडिकुलर कॉस क्या होता है बेस बाई, सो 1 बाई रूट अंडर ऑफ दैट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स का x माइनस लॉग ऑफ 1 बाई रूट अंडर ऑफ 1 प्लस x2, ठीक है प्लस सी, हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब इसमें एक x छूट गया, 2x tan इनवर्स x माइनस, अगर हम मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा पावर में -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, अगर हम चाहे तो ये स्क्वायर रूट है ऊपर जाएगा तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो -1/2 को हम चाहे तो बाहर भी ला सकते हैं बच्चों, तो हम चाहेंगे तो बाहर भी ला सकते हैं, और बाहर कभी 2 into -2 into 1/2 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये माइनस लॉग है तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये यहाँ पे जैसे ऊपर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। देखो क्या हुआ बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा डी थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, ठीक है लॉग मॉड कॉस थीटा, तो ये वाला माइनस क्या माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब इस वाले को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर में -1/2 है तो -1/2 बाहर आ जाएगा, ये प्लस में है बच्चों, ठीक है, ये वाला जो है प्लस में, तो ये -1/2 ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा लॉग ऑफ 1 प्लस x2 प्लस c, आ गया हमारा आंसर। तो आंसर क्या हो गया 2x tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस लॉग 1 प्लस x2 प्लस c। देखो जिन बच्चों को ये समझ नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बोल दोगे, इसको फिर से बता देंगे, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, इंटीग्रेशन 23 नंबर क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 23, x2e(x)³dx। हमने x के क्यूब को t पकड़ लिया, सो 3x2 dx बराबर कितना हो गया बच्चों dt, सो x2 dx हमारे पास है dt/3 हो गया, सो इंटीग्रेशन dt/3 और e(t) हो गया, ठीक है। तो देखो कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट आंसर है ना बच्चा, तो e(t/3 + c, तो e(t) का वैल्यू क्या है x³/3 + c, ये है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ e(x) मल्टीप्लाई कर दो secant x + secant x tan x, ठीक है। तो अगर मैं secant x को fx पकड़ता हूं बच्चों, तो क्या उसका डेरिवेटिव secant x tan x आएगा, एक लाइन में हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, e(x) फंक्शन मिला हमें, फंक्शन का डेरिवेटिव भी मिल गया भैया, यही है ना। तो e(x) डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, e(x) fx + c, तो e(x) तो हमें था ही, और secant x + c, ये डायरेक्ट आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो आंसर नंबर हो गया हमारा बी, ठीक है। तो किसी को किसी भी प्रकार का डाउट होगा बच्चों जरूर बताएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बिंदास पढ़ो, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजो, ठीक है, कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने का, और लाइव क्लासेस भी जल्दी से स्टार्ट होंगी, ठीक है। मेहनत करके पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना, और खुद को झूठ नहीं बोलना, तब तक के लिए जय हिंद।